तो गाइस इन लाइट्स की कहानी ये है, एक दिन मैं अपने दोस्त के घर से अपने घर आ रहा था एंड साइड में एक दुकान थी बिजली की, उसने शो विंडोज में ऐसे मस्त टेप लगा के लगाई हुई थी ये लाइट्स। जब मैंने पहली बार देखी मैंने यार कलर्स तो सही है ऐसे रेड ब्लू पिंक वगैरह। घर आया पूरी रात मेरे को एक सवाल सताया कि वो लाइट्स थी क्या। व्हाट्स अप गाइस, अंगद हियर विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट दीज क्रेजी लाइट्स जो अभी पीछे पड़ी हुई हैं एंड दीज आर सुपर अफोर्डेबल, सुपर चीप एंड कैसे पूरा भी रूम का सेटअप बदल दिया है। वो अलग बात है कि मेरे दोस्त मेरे कमरे को चांदनी बार बुलाते हैं। नमस्कार भाई लोग, मेरा नाम है चंदू, चांदनी बार का ओनर, जहाँ पे मैं ये मस्त लाइट लगाते जो पीछे है जो अंगद ने खरीदी हुई है। अभी चाहे तुम लाल लगाओ पीला लगाओ, मेरे को सब लाल दिखने वाला है। तो चांदनी बार में आपका स्वागत है। कम हियर एनी टाइम, सब्सक्राइब हियर एनी टाइम, लाइक हियर एनी टाइम, मतलब बोले तो एकदम मस्त। चाहे आपका कैमरा 1.5-2 लाख का क्यों ना हो, अगर लाइटिंग खराब है तो चाहे फोटो हो चाहे आपकी वीडियो हो, बकवास लगेगी। लेट्स फिक्स दिस, दैट्स ऑलरेडी बेटर, मोर ड्रामेटिक, बट इसको भी बेटर बनाते हैं। दैट्स एक्चुअली प्रीटी कूल, एक और लाइट डाल देते हैं एंड दैट इज हाउ आप अपने कमरे को चांदनी बार बना सकते हो। इन लाइट्स को मैंने अपनी बैकग्राउंड को लाइट अप करने के लिए कुछ म्यूजिक वीडियोस पे और कुछ फोटो शूट्स पे यूज किया है एंड ट्रस्ट मी बहुत काम आई है। इनफैक्ट अगर आप कोई भी वीडियो या फोटो करते हो आपको पता है कलर कितना इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ये चीज मैं किसी भी फोटोग्राफी स्टोर या ऑनलाइन एज फोटोग्राफी गियर या वीडियो गियर खरीदता तो मुझे काफ़ी महंगा पड़ता। एंड मैं काफ़ी महंगा मेरा मतलब है कम से कम मैं इसके लिए शायद 3-4 हज़ार दे रहा होता, जो ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स आते हैं फोटो वीडियो के लिए। अब बोलने को तो ये घर की एक ट्यूबलाइट जैसी ही है, LED ट्यूबलाइट, पर ज़्यादातर इन लाइट्स में क्या होता है कि फ्लिकर आ जाता है और वीडियो में ऐसे फड़फड़ फड़फड़ अजीब सा दिखता है। इनमें वो दिक्कत नहीं थी। मैंने पीछे लाइट अप करने के लिए LED स्ट्रिप भी लगाई थी, बट उसमें छोटी छोटी लाइट्स थी तो कभी अच्छा नहीं लगा, ये पूरी दीवार को नीला कर देता है। यहाँ तक कि मेरे पिछले कुछ YouTube वीडियोस में इसको मैं एक पीछे लगा रखा हूँ फॉर प्रोडक्ट्स एंड वो वीडियोस बहुत ही अच्छी लगती हैं। सो दिस थिंग हैज़ मेड माय वीडियोस मच बेटर। एंड अभी भी मान के चलो कि एक पॉइंट पे शायद मैं 3-4 हज़ार ऐसी एक लाइट पे खर्च कर सकता था, क्योंकि मेरे शॉट्स को बेटर कर रहे हैं, मेरे काम को बेटर कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप एक बार कमेंट्स में जाके एक्चुअली डालो कि आपको क्या लगता है ये लाइट्स कितनी की हैं। अगर नहीं गेस कर पा रही, लेट मी टेल यू, जब मैंने पहली लाइट खरीदी थी मैंने खरीदी थी 250 रुपये की। यस, दिस इंटायर लाइट, एक लाइट इज 250 रुपीज ओनली। 250 में लोगों का मैकडोनल्ड्स का मील नहीं होता आजकल, और उतने में मैं एक लाइट ले आया जो मेरी वीडियोस को लाइट अप कर रहे हैं। मैं उस मोमेंट में आफ्टर नोइंग द प्राइस मैंने सोचा मैं 6-7 उठा के रख लूंगा, बट मैंने बाद में थोड़ा अकल लगा के सिर्फ 4 खरीदी, बट देर आर जस्ट 250। अब आई नो इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोग पूछेंगे कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ से क्या कर सकते हैं। मैं इसकी डिटेल्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी नाम वगैरह है। मुझे नहीं पता आपको ऑनलाइन मिल रही है या नहीं मिल रही है, मैं काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ ढूंढ रहा था एंड मुझे ऑलमोस्ट 6-7 महीना ढूंढने के बाद जब मैंने ढूंढना छोड़ दिया था तो मुझे एक दुकान की विंडो में दिख गया। जो ये पर्टिकुलर कंपनी है इसका नाम है डिस्क्रिप्शन में, आप इनके कोई सप्लायर को अगर ढूंढ पाओ तो आप बात कर सकते हो, उनको ये लाइट दिखा सकते हो कौन सी है। इट्स अ बैटन लाइट, ये ऑलमोस्ट 4-5 फीट की है एंड इट्स वेरी ब्राइट, बट सब कुछ परफेक्ट नहीं है। ये लाइट आती है बिना तार के तो मुझे तार लगवानी पड़ी इन पे, पर हाँ चलो काफ़ी लंबी 6-7 फीट का लगा रखे है मैंने, उस पर कुछ 50 रुपये लगे होंगे मेरे ऊपर से। उसके अलावा भी कुछ कमियाँ हैं, बिकॉज वायर्स हैं तो कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है टू, दे नॉट वायरलेस, तो हर बार आपको प्लग इन करना पड़ेगा, फिर कहीं प्लेस करना पड़ेगा। एंड देर चीप बिल्ट, मतलब बहुत पतले प्लास्टिक के बने हुए हैं तो आप इनको ज़्यादा जोर से इधर उधर हिला नहीं सकते, आप ऐसे हाथ में भी हिलाओगे तो आवाज़ करेगा। भाई कोई पंगा नहीं रहेगा, असली लाइट सेवर मेरे पास है। नंबर 3, ये फिक्स्ड कलर्स हैं, RGB नहीं है, तो अगर आप लाल खरीद रहे हो तो वो लाल ही चमकेगा, ब्लू खरीद रहे हो तो ब्लू ही चमकेगा। एक और दिक्कत ये है, आई डोंट नो कि ये कितने टाइम चलने वाली हैं, क्योंकि दे नॉट ब्रांडेड, दे आर सम रैंडम कंपनी, रैंडम तो नहीं बोलूँगा बट बिकॉज दे आर नॉट प्रोफेशनल लाइट्स, इनका काम नहीं है कि ये सालों साल चलें, इनका काम है जब तक चल रहा है तब तक चल रहे हैं, बट जब तक चल रहे हैं दे लुक ग्रेट। एंड आखिरी दिक्कत जो मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा लगता है इन दीज लाइट्स इज़ आप इनकी ब्राइटनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी मेरे पास एक लाइट है इधर, मेरी मेन लाइट, जिसको इनके लिए एडजस्ट करने के लिए मैं ऑन ऑफ या फिर ऐसे कम लाइट कर सकता हूँ, तो जैसे जैसे मैं अपनी मेन लाइट को कम करूँगा आप नोटिस करोगे कि लाल मेरी शक्ल पे और ब्लू पीछे बढ़ जाता है। तो दैट इज़ द ओनली वे यू कैन कंट्रोल दीज लाइट्स,
Besides that, there is no actual control on them. But this video banane ka ye purpose tha, I really wanted to share ki these lights are actually crazy and kabhi kabhi aapko aisi cheeze mil jati hain aisi jagah pe jahan pe aap expect nahi kar rahe hote. So always be on the lookout. Photography filmmaking is an expensive hobby, expensive profession. तो जब ऐसी चीज़ें मिलती हैं इट्स एक्चुअली अ गेम चेंजर. तो आप मुझे बताओ आपकी लाइट्स कैसी लगी, व्हाट डू थिंक अबाउट इट. आई विल डेफिनेटली ट्राई किसी तरीके से इफ़ आई कैन गेट दिस अवेलेबल ऑनलाइन समवेयर, तो शायद मैं लिंक्स डाल दूँ. अगर आपके पास ऐसा कुछ है या कुछ सिमिलर है तो डाल दूँ उनका लिंक्स. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दैम. दीज लुक अमेजिंग, दे मेड माई वर्क अ लॉट बेटर. एंड अभी एक म्यूजिक वीडियो प्लान हो रही थी बिफोर द लॉकडाउन. होपफुली वंस द लॉकडाउन एंड्स थिंग्स गेट बेटर तो इनको एक म्यूजिक वीडियो में भी यूज करूंगा. दे लुक एब्सोल्युटली क्रेजी. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होप यू एंजॉयड. इफ यू डिड तो ये कर देना, इफ यू डिडंट तो भी ये कर देना, आइडिया लग जाएगा मेरे को. बाकी आई विल कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय.